मानहानी केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। मानहानी केस में अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, ये मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा, सुरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी संख्या में दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, सूरत और भरूच में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सूरत और भरूच में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीबीआई के मन से पीएम मोदी का भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर प्रहार, कहा कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सीबीआई से बोले, ताकतवर लोगों के खिलाफ ले रहे हैं एक्शन, रुकना नहीं। राहुल अदाणी के मुद्दे पर आज फिर संसद में हंगामा, जेपीसी की जांच को लेकर अड़ा विपक्ष, तो राहुल के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर, दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 17 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना के 3,641 नए मरीज मिले, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,219। बिहार में हिंसा को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा, विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा, कहा नहीं संभल रहा बिहार। साबरमती सेंट्रल जेल लेटर लेकर पहुंची यूपी पुलिस, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का नाम सामने आया, अतीक को पूछताछ के लिए यूपी लाया जा सकता है, यूपी पुलिस जेल में भी पूछताछ के लिए आ सकती है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के इस्लामिया ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज के इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया, इफ्तार पार्टी में लाल किले जैसा मंच बनाया गया था। उदयपुर में निजी इंस्टीट्यूट के बाद नर्सिंग छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज से आधा दर्जन छात्र घायल हुए, छात्रों का आरोप है कि कोर्स खत्म होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया है। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब बीजेपी कमजोर पड़ती है वो दंगे भड़काती है, लोगों का ध्रुवीकरण करती है। बिहार और बंगाल में हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को घेरा, गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार ममता बनर्जी के रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में फेंका गया संदिग्ध पैकेट, पैकेट में मिले हथियार और हैंड ग्रेनेड, सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। असम के गुवाहाटी में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, राज्य में मुफ्त बिजली और रोजगार देने का जनता से वादा किया, बीजेपी पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप, दिल्ली मॉडल का जिक्र किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का केजरीवाल पर पलटवार, कहा दिल्ली से बेहतर है असम, दिल्ली में 60% लोग नर्क में रहते हैं, वहां तो लोगों को पानी भी नहीं मिलता। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या का दौरा करेंगे, सीएम शिंदे पार्टी नेताओं के साथ रामलीला के दर्शन और सरयू तट पर पूजा करेंगे।